प्रभु यीशु मसीह की। आज की सुबह जबकि हम प्रभु यीशु की आराधना करने जा रहे हैं, इस समय में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि हम सब अपने मनों को, अपने दिलों को हम तैयार करें और अपने विचारों को, हम जो शायद इधर उधर भटक रहे हैं और बातों में, अन्य बातों में भटके हुए हैं, उन्हें हम बटोरें और अपने ध्यान को यीशु की ओर केंद्रित करें। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हों और जबकि हम गीतों को गाते हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपनी आवाज़ों को उठाकर ऊंचे आवाज़ में गाएं साथ में, और ताली बजाते हुए हम यीशु मसीह की हम जय जयकार करेंगे। एक साथ मिलकर हम यहोवा की आराधना करेंगे। हम यहाँ पे चर्च में आके क्यों आराधना करते हैं? क्या परमेश्वर हमारे घरों में नहीं है? क्या यहोवा परमेश्वर हमारे घर में नहीं उपस्थित है? हम वहां पे क्यों नहीं कर सकते हैं? हम यहां आके क्यों करते हैं आराधना? कारण एक ही है, बाइबल के अनुसार विश्वासी एक स्थान पे जमा होते हैं क्योंकि प्रभु के लोगों की संगति एक स्थान पे आने से होती है। तो लखनऊ के विभिन्न कोनों से आप सब यहां आए हैं ताकि सामूहिक रूप से, सप्ताह भर में आप पारिवारिक रूप से या एकांत में आप यहोवा की आराधना करते थे, करते आ रहे हैं, लेकिन इस समय सामूहिक रूप से हम इस यहोवा परमेश्वर की आराधना अपने भाइयों के साथ मिलकर, अपने बहनों के साथ मिलकर हम अपने आवाजों को एक स्वर से उठाते हैं प्रभु यीशु की ओर। इसीलिए हम चर्च आते हैं और इसीलिए एक साथ मिलकर हम बैठते हैं, खड़े होते हैं, ताली बजाते हैं, गीतों को गाते हैं। सो इसीलिए मैं चाहूंगा कि जिस उद्देश्य से हम आए हैं उस उद्देश्य को आप पूरा करो। हो सकता है एक आध गीत आप ना जानते हो, कोई बात नहीं, आप कम से कम ताली तो बजा सकते हैं, है ना? और यहाँ पे शब्द आते हैं स्क्रीन पे, आप शब्दों को देख के आप कोशिश करिए, मुंह चलाइए, ऐसे हम हिस्सा लेते हैं। यदि कोई गीत पुरानी है तो आप जानते हैं, हम जुड़कर एक साथ मिलकर गाएं। लेकिन इससे पहले कि हम किसी और के द्वारा लिखे हुए गीत को गाएं, क्यों ना हम अपने दिल के गीत को हम यीशु की ओर उठाएं। हालेलुया, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाइए, अपने आंखों को बंद करिए और अपने आवाजों को उठाकर आइए हम उसको धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवन देने वाले यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद। चंगाई देने वाले, क्षमा करने वाले, हमें चलाने वाले यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपने हमें जीवन दिया है और आपने हमें जीवित रखा है, इन बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जैसे गीत लिखने वाला ने कहा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। हालेलुया, आज का दिन आपने हमें दिया है, इसीलिए हम इसमें आनंदित होंगे। हालेलुया, धन्य हो। Amen.
उसकी हो जय, उसकी हो आराधना। वरिष्ठों की विराग तू है, वरिष्ठों की विराग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है, भजते तेरा नाम यीशु है। Turn off the monitors, please. फरिश्तों की विराग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है, आइए संगाए। फरिश्तों की विराग तू, भजते तेरा नाम यीशु, फरिश्तों की विराग जिते तेरा नाम। चाहूंगा केवल बहने इस बार मेरे पीछे पीछे गाएं, और उसके बाद जो पुरुष हैं हमारे भाई लोग, आप लोग गाइएगा केवल, ठीक है? केवल बहने गाएंगी। हालेलुया, 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 सब मिल गाए हालेलुया, सब मिल गाए। ओके, सारे भाई लोग, सब लोग मिलकर गाएंगे, आइए। हालेलुया, हालेलुया, संग मिल गाए, हालेलुया, संग मिल गाए, हालेलुया। हालेलुया, 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 यीशु मसीह ही हमारा राजा है, वही हमारा प्रभु है, वही हमारा स्वामी है। इसीलिए हम जय जयकार के गीत गाते हैं, क्योंकि उसने हमारे जीवन के राजा होते हुए हमारे लिए वो जय जीत लिया है, जिस जय में हम आज के दिन जी रहे हैं। जयवंत से बढ़कर उसने हमें उस स्थान पर खड़ा किया है, हालेलुया। और इसीलिए हम कहते हैं हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्य हो प्रभु यीशु का नाम। El Shaddai, El Shaddai, आप गाइए सर्वशक्तिमान तू है, सर्वशक्तिमान तू है। हम ये अंगीकार करते हैं, El Shaddai, El Shaddai, सर्वशक्तिमान। धन्यवाद दें क्योंकि वो हमारा प्रभु है, वो हमारा तारणहार है, हालेलुया, जीवन देने वाला। ओ यहोवा,
गाएंगे एबनेजर 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 अभी तो तू मेरे साथ है आपके लिए सच है क्या? ये यहोवा परमेश्वर आपके लिए सब कुछ है? एल शद्दाय एबनेजर यहोवा परमेश्वर, ये जो शब्द हम गा रहे हैं एल शद्दाय एबनेजर, ये सारे शब्द इब्रानी भाषा के हैं। इब्रानी भाषा के ये शब्द हैं और हम इब्रानी भाषा पहले गा रहे हैं और उसका हिंदी अनुवाद दूसरे पंक्ति में हमने गाया है। सो एल शद्दाय, एल का मतलब है परमेश्वर, एल परमेश्वर एंड शद्दाय, ओके, शद्दाय का अर्थ है सर्वशक्तिमान। तो जब हम कह रहे हैं एल शद्दाय, वो इब्रानी में है और हिंदी में है सर्वशक्तिमान, ओके। उसी प्रकार से एबनेजर, एबनेजर इब्रानी भाषा में है, उसका अर्थ क्या है? वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, मेरे साथ है। बोलिए मेरे साथ है, हर कठिन समय में, हर मुश्किल समय में, मेरे जीवन के आंधी में,
वो मेरे लिए एबेनेजर है। ये अर्थ है इस गीत का। और बिना समझ के हमें कोई भी गीत नहीं गाना चाहिए। अर्थ से हर गीत भरा हुआ है। हर गीत का अर्थ समझकर हमें गाना चाहिए। सैमुएल प्लीज टर्न ऑफ ऑल द माइक्स। और यहोवा जो नाम है परमेश्वर का, परमेश्वर का नाम क्या है? यहोवा। वही यहोवा यीरे है, वही यहोवा राफा है, वही यहोवा शालोम है, वही यहोवा नीसी है। ये जो शब्द हैं, ये भी इब्रानी शब्द हैं, ये भी परमेश्वर का वर्णन करते हैं। यहोवा यीरे, इसका क्या अर्थ है? वो यहोवा या वो परमेश्वर जो मुहैया करता है ना? यहोवा शालोम, इसका अर्थ क्या है? वो यहोवा जो हमें शालोम देता है। शालोम का अर्थ क्या है? शांति देने वाला, है ना? यहोवा राफा, राफा का क्या अर्थ है? चंगाई देने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर। ये सारे नाम अलग अलग समय में अलग अलग प्रभु के दासों ने दिया, क्योंकि उन्होंने किसी एक मौके पर परमेश्वर के इन गुणों को अनुभव किया अपने जीवन में, और इसीलिए उन्होंने तब एक स्टेटमेंट किया, ये यहोवा मेरा एबेनेजर है, ये यहोवा मेरे लिए यीरे है, ये यहोवा मेरा राफा है। हालेलुया। और इसीलिए आप भी अपने जीवन के लिए इन बातों को आप ऐलान कर सकते हैं, आप घोषित कर सकते हैं कि ये यहोवा मेरा शालोम है। दुनिया मुझे शालोम या शांति नहीं दे सकती है, और यदि यहोवा देता है तो कोई छीन नहीं सकता है। इसीलिए वर्णन जो किया गया है वो ये है, ऐसी शांति जो बेबयान है और ऐसी शांति जो हम भी शायद ना समझ पाए। एक अजीब सी शांति है, लेकिन वो शांति यहोवा परमेश्वर से हम प्राप्त करते हैं। हालेलुया। कितना हमारा परवाह करने वाला एक यहोवा परमेश्वर है। क्या हम अपने आभारी हृदय से हम यहोवा को धन्यवाद कह सकते हैं? अपने आंखों को बंद करिए और स्वर की ओर अपने आवाजों को उठाइए और कहिए, आप मेरे लिए यहोवा शालोम बन चुके हैं। समय समय पर, समय समय पर आपने मेरी मुहैया करी है, आपने मेरे लिए उपाय किए हैं। आप यहोवा यीरे अपने आप को साबित कर चुके हैं इस 2020 में, 2021 में, ये कोविड और पैंडेमिक और लॉकडाउन के समय में आपने अपने आप को यहोवा नीसी साबित किया है, आपने अपने आप को यहोवा यीरे साबित किया है, आपने अपने आप को यहोवा राफा साबित किया है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Yeah.
एक हाथ को दिल पर रखकर दूसरे हाथ को स्वर्ग की ओर उठाकर गाइए, धन्यवाद के यदि आप उस गीत के अनुसार करें जो कहता है गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, तो फिर ये बात सच निकलेगी। यदि आप अपने आशीषों को गिनने बैठे, वो समय जब आप इस कदर आप बीमार हो गए थे, ऐसी बीमारी से आप ग्रसित हो गए थे कि आपको ये भी लगा कि शायद अब मैं इस बिस्तर से उठ नहीं पाऊंगा, हो सकता है आप ऐसे समय से निकले हो जब आपको सामने के रास्ता या मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा था, कोई ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में जब आप नहीं समझ पा रहे थे कौन सा मोड़ मैं लूं, क्या मैं दाएं को मुड़ू या बाएं को मुड़ू, या मैं सीधे चलता रहूं या यहीं खड़े रहूं, ऐसे समय में ये हमारा यहोवा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, हमें ये बात याद आती है कि हम इसके योग्य नहीं हैं, कि वो अपनी उपस्थिति को हमारे संग रखे। ऐसे समय में उसने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हो सकता है आप वो चंगाई ना अनुभव किए हो या फिर आपके मार्ग शायद बदला ना हो, लेकिन उसकी कृपा और उसकी अनुग्रह आपके ऊपर बनी रही, तभी आज के दिन आप यहाँ पर खड़े हो इस मंदिर में और आप चंगाई प्राप्त किए हुए, अच्छे स्वास्थ्य में, आप चलते फिरते सही दिमाग में, आप अच्छी तरह से आप आज की सुबह यहाँ खड़े हैं। योग्यता से बढ़कर हम कभी भी चौड़े होकर हम ये नहीं कह सकते हे प्रभु मैंने ये किया इसलिए मुझे जीवन दे, लेकिन हाँ हम जरूर ये कह सकते हैं आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपके करुणा के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर परमेश्वर से कहें आंखें बंद हो बोलिए उपकार तेरे हे शुमार कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद कोटि 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 स्तुति धन्यवाद। हम अपने धन्यवाद को किस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं आज के सुबह, क्या हम यहोवा परमेश्वर को कुछ धन्यवाद के रूप में कुछ हम दे सकते हैं, क्या धन्यवाद को प्रकट करते हुए हम यहोवा परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं आज की सुबह, क्या हम एक तालियों का भेंट दे सकते हैं।
धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद धन्यवाद यहोवा परमेश्वर धन्यवाद यीशु 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 धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद 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 यीशु 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 धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद 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 कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति केवल तू ही है केवल यस आपके लिए सच है कि यहोवा परमेश्वर आपके लिए सब कुछ है? क्या ये यहोवा परमेश्वर आपके लिए इतना है कि हर परिस्थिति में सबसे पहले आप उसके पास जाते हो, ना कि इधर उधर? क्या वो आपका सब कुछ है? क्या वो आपका सब कुछ है? यीशु ने जब पतरस से पूछा, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? पहले पतरस इस बात को समझ नहीं पाया था, लेकिन बाद में उस पतरस को ये बात समझ में आई और उसने अपने दिल की गहराई से इस बात को अंगीकार किया और पतरस पहचान गया कि हे प्रभु, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा श्वास है, मुझे जीवन देने वाला तू ही तो है और जीवन के शब्द भी केवल तेरे ही पास है। मैं किधर जाऊं? मैं किसकी ओर अपनी दृष्टि को उठाऊं? केवल तू ही है सब मेरा, तू ही मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, तू ही मेरे लिए सूर्य है और ढाल है, तू ही मेरा सब कुछ है, हे यहोवा परमेश्वर। और आज के दिन मैं इस बात को पहचानता हूं, और यदि आप किसी ऐसी बात से गुजर रहे हैं या होते हुए निकल रहे हैं जहां आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर अपनी आंखों को, अपनी दृष्टि को, अपनी निगाहों को आप यहोवा परमेश्वर की ओर उठाइए, क्योंकि वो ही कहता है, मैं ही द्वार हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन की रोटी हूँ, मैं ही जीवन का जल हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ तुम्हारे लिए, इसीलिए मेरे पास आओ, क्योंकि मैं ही तुम्हारे जीवन का उपाय हूँ, मैं ही तुम्हारे जीवन के लिए सब कुछ हूँ।
मेरे पास आओ, मैं छुटकारा दूंगा, मैं चंगाई दूंगा, मैं विश्राम दूंगा। हालेलुया, खीरा बाशा वाला रखा तेरे रिया रा 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 बा। हालेलुया। बहुत लंबे समय से मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन आज मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। अपने पड़ोसी को, अपने पड़ोस में जो भी खड़ा है या खड़े हैं, जो भी भाई या बहन, उनकी ओर आप मुड़े, एक 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 व्यक्ति की ओर, और उनके जीवन में शालोम ऐलान करिए, उनके जीवन में परमेश्वर के आनंद को बोलिए, उनके जीवन में शांति बोलिए, यीशु के नाम में बोलिए, उनके जीवन में बोलिए। मुझे मत देखिए, अपने पड़ोस को देखकर आप बोलिए, ये हालचाल लेने का समय नहीं है। आप आशीषित करिए उनको, कहे यहोवा शालोम आपके जीवन में, यहोवा शालोम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। This morning I like to ask you just two questions and then we will pray. और आज की सुबह मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूँ, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और सभा को समाप्त करेंगे। And I don't have the answer. मेरे पास उन सवालों का उत्तर नहीं है। I have my answer. मेरे पास मेरे उत्तर हैं। For myself. मेरे लिए। Now you have to give answers to these two questions to yourself. और इन दो सवालों का उत्तर आपको खुद को देना है अपने लिए। Let's be very serious about our faith in the Lord Jesus Christ. और होने दें हम सब अपने विश्वास में प्रभु यीशु मसीह के प्रति गंभीर होने पाएं। And I hope all of you who claim to be born again Christians, you read your Bible. अब मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप सब जो इस बात को कहते हैं कि मैं नया जन्म पाए हुए मसीह हैं, आप अपने इस वचन को, बाइबल को जरूर पढ़ते हैं। Many people don't want to read the Bible. कई सारे लोग इस बाइबल को पढ़ना ही नहीं चाहते। And the reason is the Bible is a living book and it speaks to you. क्योंकि इसका कारण ये है कि ये बाइबल, ये पवित्र शास्त्र एक जीवित पुस्तक है और आपसे बात करती है। And he speaks the truth about you. और ये पुस्तक आपसे बात करती है सच के विषय में जो आपके बारे में है। And most of us don't like the truth. और हम में से कई सत्य सुनना पसंद नहीं करते। Especially when it is to ourselves. और खास रीति से जब ये सत्य हमारे विषय में हो। We don't like to face the truth. और हम उस सत्य को सुनना नहीं चाहते। That's why we don't want to read the Bible. और इसी कारणवश हम बाइबल या पवित्र शास्त्र पढ़ना नहीं चाहते। But I want you to know one thing. If you are willing to face the truth about yourself. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने विषय में सच का सामना करने के लिए तैयार हैं। And admit. To God and to yourself, yes, I need help. और खुद को इस बात का समर्पण परमेश्वर के सामने करते हैं कि हाँ परमेश्वर मुझे आवश्यकता है। Then God can do something for you. तब परमेश्वर आपके लिए कुछ कर सकता है। And if you are not willing, और अगर आप तैयार नहीं हैं, our God will never force anything. तब हमारा परमेश्वर आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएगा। But he tells you the truth. क्योंकि वो तो आपको सिर्फ सच्चाई बताएगा। The truth is this. I want to quote scripture. और मैं सच्चाई ये है, मैं एक वचन को आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। The book of Hebrews chapter 11. इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय। Now, I'm sure as Christians you read the Bible and you are familiar with this famous chapter. और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अपने बाइबल पढ़ते हैं और आप इस अध्याय को अच्छी रीति से जानते हैं। It is a very famous chapter. क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध अध्याय है। This chapter contains the list of heroes of faith. और ये अध्याय बात करता है विश्वास के जो बड़े लोग हैं, जो उदाहरण के रूप में हमारे सम्मुख खड़े होते हैं, उनके विषय में। Heroes of faith. There are two part. To this chapter. और इस अध्याय को हम दो भागों में बांट सकते हैं। Verses 1 to 3. और पहले वचन से लेकर तीसरे वचन तक। Of the book of Hebrews chapter 11. इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय। Faith is defined. विश्वास की परिभाषा वहाँ पर दी गई है। So these three verses, first three verses define the
faith. और इसलिए ये पहले तीन वचन विश्वास की परिभाषा को दिखाते हैं. And then we have verses 4 to 40. और उसके पश्चात चौथे वचन से लेकर चौदहवें वचन तक एक भाग है. Faith is illustrated and demonstrated. ये कैसे विश्वास को दर्शाया गया है और उदाहरण के रूप में दिखाया गया है. The faith of Christ or the faith of a Christian is a living faith. और प्रभु यीशु मसीह का विश्वास या मसीहों का विश्वास एक जीवित विश्वास है. As you know, anything that is alive grows. जैसा कि आपको पता है, कोई भी वस्तु जो जीवित है वो बढ़ती है. So faith also grows. और इसलिए विश्वास भी बढ़ता है. If you are seriously treat और अगर आप गंभीरता से अपने आत्मिक जीवन को लेते हैं. So 4 to 40 is faith illustrated and demonstrated. और इसलिए चौथे वचन से लेकर चौदहवें वचन तक हम देखते हैं विश्वास उदाहरण के रूप में दर्शाया गया है. So we when you read this passage और इसलिए जब आप इस अध्याय को पढ़ते हैं, this chapter, इस अध्याय को, you have the saints of God achieving amazing things by faith. तब आप देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर के संतों ने अद्भुत बातों को पूरा किया, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को सिर्फ परमेश्वर के द्वारा. And one of the things और एक ऐसी बात the saints achieved was जो संतों ने पूरा किया या उसको पाया, that by faith difficult commands were obeyed. विश्वास के द्वारा कठोर आज्ञाओं का पालन या आज्ञाकारी वो बने रहे. There are commands that may be very difficult for us to not only obey but even to accept. और ऐसी कई सारी आज्ञा हैं बाइबल में, इस पवित्र शास्त्र में, जो हमारे लिए मानना या आज्ञाकारी बनना उसके प्रति या ग्रहण करना कठिन हो सकता है. God's command. परमेश्वर की आज्ञाएं very difficult to accept. और बहुत कठिन है ग्रहण करने के लिए. And many of us think that simply by saying I believe in Jesus you are saved and you are pleasing God. और हम में से कईयों that is not right. और हम में से कईयों को ऐसा लगता है कि साधारण रीति से ये कह देना कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, you can believe, हम बचा लिए जाते हैं. You can believe in Jesus. आप यीशु पर विश्वास कर सकते हैं. Even get baptized. Even get baptized. और यहाँ तक कि पानी का बपतिस्मा भी ले सकते हैं. And become a member. और कलीसिया के सदस्य बन सकते हैं. You can even join the worship team. और हो सकता है आराधना के समूह में का आप हिस्सा बन जाएं. Stand here and worship. और यहाँ खड़े होकर आराधना करें. You can do all that. ये सारी बातें आप कर सकते हैं. But it doesn't mean you are pleasing God. इसका मतलब ये नहीं है कि इन सारी बातों को करने के बाद भी आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं. Because after your conversion and baptism. क्योंकि आपके परिवर्तन के पश्चात और आपके बपतिस्मे के पश्चात there are instructions given in the Bible how you should live your life. तब ऐसे दिशा निर्देश बाइबल में दिए गए हैं कि आपको कैसे जीना है. These commands और ये सारी आज्ञाएं very hard. ये बहुत कठिन है. So listen to this very carefully. ऐसे ध्यान पूर्वक इन्हें सुने. And let us see this truth, that is by faith saints of God obeyed the difficult impossible commands. कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर के संतों ने कठोर आज्ञाओं को माना और उसके प्रति आज्ञाकारी बने. And in Abraham's life, और अब्राहम के जीवन में it is demonstrated. इस बात को हम देखते हैं. Let us see it. और आइए हम इस बात को One देखें. One of the first things God commanded Abraham was to give up his native city. और एक पहली बात जो परमेश्वर ने इब्राहिम से कही जो उसे करनी है कि अपने स्थानीय जगह को जहां वो रहता है उसे छोड़ दे. Now these days, और इन दिनों में young people as they get educated, जवान जब प्रशिक्षण लेकर पढ़ाई कर तैयार हो जाते हैं, there is an exodus of young people going to the other cities. तब एक निर्गमन शुरुआत होता है या जाना शुरू होता है इनका दूसरे शहरों में. They don't like, they have no difficulty in leaving the city of Lucknow. और उन्हें कोई परेशानी नहीं होती लखनऊ शहर को छोड़ के जाने में. Because Delhi is more attractive. क्योंकि दिल्ली और आकर्षक है. और मुंबई इज मोर अट्रैक्टिव. लेकिन दिल्ली से कहीं ज्यादा आकर्षित करता है मुंबई. बैंगलोर, ओह वाओ, इट इज अ वंडरफुल सिटी. और जो बैंगलोर है ये तो बहुत अद्भुत शहर है. और पुणे, या पुणे और लखनऊ, दैट्स नॉट अ
good place to stay. लेकिन लखनऊ एक अच्छा स्थान नहीं है रहने के लिए. And even churches in these big cities. और यहाँ तक कि कलीसियाएं भी जो इन महानगरों में पाई जाती हैं. Are very nice. और बड़ी-बड़ी और अच्छी अद्भुत कलीसियाएं. They are very liberal. Very liberal. और हर प्रकार की आजादी वो देते हैं. I can do anything I want. They don't care. और मैं कुछ भी कलीसिया के भीतर करना चाहूँ कर सकता. उन्हें कोई चिंता नहीं. But in the city of Lucknow, small city. क्योंकि ये लखनऊ शहर है, छोटा शहर है. And especially our pastor Papi Mathai is very difficult fellow. और खास रीति से हमारे जो पासवान हैं, पास्टर पापी मथाई, वो बड़े कठिन हैं. उनके संग उनको झेलना थोड़ा मुश्किल. He watches over the lives of people. क्योंकि वो लोगों के जीवन को देखते हैं. So let us get out of Lucknow as fast as possible. और इसलिए होने दे हम लखनऊ शहर से जितना जल्दी बाहर जा सकते हैं चले जाएं. Because the facilities available in other cities are more attractive and more wonderful. क्योंकि दूसरे शहरों में जो तकनीक है, सुविधाएं हैं, वो और अच्छी हैं और अद्भुत हैं. सो ऑल एज पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड, और जैसे लोग जो हैं शिक्षा प्राप्त करते हैं, देयर इज एन एक्सोडस फ्रॉम हियर. तो एक निर्गमन या यहाँ से जाना शुरू होता है. एंड नाउ एडेड देयर आर फॉरेन कंट्रीज. और अब हम इसमें सम्मिलित करते हैं विदेशी देश जो मौजूद. ऑस्ट्रेलिया, यूके, इंग्लैंड एंड अमेरिका, कनाडा. और चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सिंगापुर हो, ऐसी और भी कोई स्थान. Let us go there. और वो कहते हैं चलो यहाँ जाएंगे. But for Abraham, लेकिन अब्राहम के लिए it was not an easy command. उसके लिए ये कोई आसान आज्ञा नहीं थी. You know the reason? आपको पता है कारण क्या है? He lived in a city called Ur. वो उर नामक एक स्थान पर रहता था. And Ur was one of the most modern city. और उन दिनों में उर का जो स्थान था वो आधुनिक स्थानों में गिना जाता था. इट हैड यूनिवर्सिटी, उसके पास विश्वविद्यालय मौजूद थे. दैट सिटी हैज अ ह्यूज लाइब्रेरी, और वहाँ पर एक बड़ी पुस्तकालय भी मौजूद था. एंड इज अ मॉडर्न हाउसेस विद डबल एंड ट्रिपल स्टोरी, और दो माले, तीन माले के बड़े बड़े आधुनिक घर भी वहाँ मौजूद थे. एंड इट हैज अ ब्यूटीफुल वंडरफुल वाटर सप्लाई सिस्टम, और एक बहुत अच्छी रीति से पानी को लाने के लिए वहाँ पर उन्होंने उस आधुनिक स्थिति को बनाया. Was so good. और जीवन बड़ा अच्छा था. And Abraham's family was a business family. और अब्राहम का जो परिवार था वो व्यवसाय करने वाला परिवार था. Their business was making gods and selling, and that was a big lucrative business. और उनका व्यवसाय ये था कि वो मूर्तियां बना करके बेचे. So he had plenty of money. और उनके पास काफी सारा पैसा था. And a good modern house. और एक आधुनिक घर उनके पास था. With modern facilities. और कई सारी आधुनिक सुविधाएं वहां मौजूद थी. The only thing they were missing was TV and electricity, etc. और वो कई सारे जो वहां पर थे वो थे टीवी और यही सारी जो आज की सुविधाएं वो. But सिर्फ everything नहीं. Else was so wonderful. लेकिन और सारी दूसरी बातें बहुत अद्भुत. So it was not easy for Abraham to. और इसलिए अब्राहम के लिए वो स्थान छोड़कर जाना बहुत कठिन था. That was the first command that God gave. और इसलिए वो पहली आज्ञा थी जो परमेश्वर ने उसे दी. Leave your city, give up your city. कि अपने शहर को छोड़, दूसरे जगह चला जा. Now, it was this modern city and prosperous city he was asked to give up. और ये आधुनिक और समृद्ध शहर को छोड़कर जाने के लिए परमेश्वर ने उससे कहा. It was comfortable. और वो बड़ा सुविधाजनक था. Well reputed city. और एक बड़ी प्रसिद्ध शहर. And he was asked, leave your city. और उससे कहा गया कि अपने इसी शहर को तू छोड़कर निकल जा. It was not easy for Abraham. और अब्राहम के लिए ये करना आसान नहीं था. But the Bible says. लेकिन बाइबल बताता है. Abraham obeyed question. और obeyed God. कि अब्राहम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बना रहा. Abraham obeyed God. कि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना. Abraham obeyed God. पर अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना. So there are question. तो इसलिए सवाल है. When did he obey God? कि उसने कब परमेश्वर की आज्ञा को माना? When he did not know. जब उसे कुछ पता ही नहीं था. Know what? क्या नहीं पता था? God is asking me to start walking. Where? जब परमेश्वर ने उसे कहा जा स्थान को छोड़, तो कहाँ? Verses 8 and 10 of this Hebrews. और इसी अध्याय में आठवें वचन से लेकर दसवें वचन. Write down this, go home and read. और इन वचनों को लिख लीजिए, घर जाकर जरूर पढ़िएगा. When he did not know where, he obeyed. जब उसे ये नहीं पता था कहाँ जाना है, वो आज्ञाकारी बना. Secondly, दूसरी बात. When he did not know how. जब उसे ये भी नहीं पता था कैसे जाना है. Now,
For the first question, पहले सवाल के लिए, where? कहाँ जाना? God did not tell him where to go. परमेश्वर ने अब्राहम को ये नहीं बताया कि उसे किस ओर जाना है. Simply commanded Abraham start walking. सिर्फ आज्ञा दी और अब्राहम ने उसकी आज्ञा अनुसार चलना शुरू कर दिया. Are you listening carefully? क्या आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं? Start walk. और उसने चलना शुरू किया. God did not tell him where. परमेश्वर ने ये नहीं बताया किस ओर जाना है. And secondly, दूसरी बात, when God said, जब परमेश्वर ने कहा, he did not know how. उसे ये भी नहीं पता था कैसे जाना. God's promise was, परमेश्वर का वादा तो ये था, his descendants will be as numerous as the stars of the sky. कि उसकी पीढ़ी इस समान होगी जैसे मानो आसमान में जितने तारे हैं. If you get out, अगर तू इस स्थान से बाहर निकलता है. But how it is going to be possible? लेकिन ये कैसे संभव होगा? God did not tell him. ये भी परमेश्वर ने उसे नहीं बताया. So when he did not know how, जब उसे ये नहीं पता था कैसे, he was going to have descendants like that. कि कैसे उसके पास इतनी बड़ी पीढ़ी होगी जो तारों के समान होंगे. He obeyed. उसने आज्ञा मानी. So he did not know. He obeyed when he did not know where to go. उसने तब आज्ञा मानी जब उसे नहीं पता था कहाँ जाना है. And he obeyed God when he did not know how God was going to fulfill that promise. और परमेश्वर की आज्ञा तब मानी जब उसे ये नहीं पता था कि कैसे परमेश्वर उस वादे को पूरा करेगा. And thirdly, और तीसरा, he did not God's when he did not know when these promises are going to be fulfilled. जब उसे ये नहीं पता था कि कब ये वादे पूरे होंगे. God did not tell him. परमेश्वर ने ये भी नहीं बताया. So he obeyed, though he did not know when. उसने उसने आज्ञा मानी और ये नहीं ये भी ना जानते हुए कब पूरे होंगे. And fourthly, और चौथी बात, he obeyed when he did not know why. और उसने तब आज्ञा मानी जब उसे ये नहीं पता था क्यों. When was it? ये कहां पर था? When God told him to take his one and only son whom he loved and sacrifice him to God. जब परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने इकलौते पुत्र इसहाक को ले और होम बलि के रूप में इसे बलिदान कर दे. Why? क्यों? Why God? क्यों परमेश्वर? God did not tell him. परमेश्वर ने ये भी कारण नहीं बताया. Though he did not know, और उसे भले ही पता नहीं था, he obeyed. उसने फिर भी आज्ञा मानी. So he obeyed when he did not know where. और इसलिए वो आज्ञाकारी बना रहा जब उसे ये नहीं पता था कहाँ जाना है. He obeyed God when he did not know how God was going to fulfill his promise. और उसने तब भी आज्ञा मानी जब उसे नहीं पता था कि कैसे परमेश्वर अपने वादे को पूरा करेगा. He obeyed God when he did not know when the promises were going to be fulfilled. तब भी आज्ञाकारी बना रहा जब परमेश्वर ने उसे ये भी नहीं बताया कब वो अपने वादों को पूरा करेगा. He still obeyed God though he did not know why he should offer his son through whom God was going to bless all other nations. और वो तब भी परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बना रहा जब उसे ये भी परमेश्वर ने नहीं बताया कि क्यों वो अपने एक लौते पुत्र इसहाक का बलिदान करे जिसके द्वारा परमेश्वर उसकी पीढ़ियों को आशीषित करेगा. That was God's promise. और यही परमेश्वर का वादा था. That was before Isaac was born. और ये वादा तो उससे पहले था जब इसहाक का जन्म हुआ. God said through your son, उसने कहा तेरे पुत्र के द्वारा, your own son through Sarah, और तेरा खुद का बेटा जो सारा से तुझे प्राप्त होगा, through him, उसके द्वारा, I will bless all the nations. मैं पूरे देशों को या राज्यों को आशीषित करूंगा. Now Isaac was not married. और याद रखिए इसहाक की तो शादी नहीं हुई थी. When God told him to take him and offer him as a sacrifice. और परमेश्वर ने जब इब्राहिम से ये कहा कि इसे ले जा और एक होम बलि के रूप में बलिदान चढ़ा दे. So there is a problem. तो एक वहां पर समस्या है. Then what will happen to your promise? कि परमेश्वर अगर इसे होम बलि चढ़ा दूंगा तो तेरे वादे के साथ क्या होगा? God, परमेश्वर, you are contradicting yourself. तो खुद जिन बातों को कहता है उनके विरुद्ध कार्यों को करने को कह रहा है. You said through Isaac my son you are going to bless all the nations and now he is not even married and now you are asking me to take him and offer him as a sacrifice. और परमेश्वर तूने मुझसे ये कहा कि मेरे पुत्र इसहाक के द्वारा तू देशों और राज्यों को आशीषित करेगा और अब जबकि उसकी शादी भी नहीं हुई है तो मुझसे कहता है कि होम बलि के रूप में से बलिदान कर. God, you are contradicting yourself. परमेश्वर तू अपने ही बातों के विरुद्ध जा रहा है. And he did not know why. और उसे ये नहीं पता था क्यों. Though he did not know why, he still obeyed God. और फिर भी जब अब्राहम को ये नहीं पता था क्यों, उसने फिर भी परमेश्वर की आज्ञा मानी.
As I said, I am not going to preach today. I am going to ask one question. और जैसा कि मैंने कहा कि मैं आज प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन इसी बात से एक सवाल पूछूंगा. Now you answer that question to yourself. और इस सवाल का उत्तर आप खुद को दें. I am not even going to ask you to raise your hand. मैं आपसे हाथ उठाने के लिए भी नहीं कहूंगा. Because it is so easy. क्योंकि ये तो बहुत आसान है. It doesn't cost me anything to lift my hand. क्योंकि हाथ उठाने के लिए कोई दाम नहीं चुकाना है. Don't do that. ऐसा ना करें. If you do not know what you are going. अगर आपको नहीं पता आप क्या करते हैं. Now here is the question. सवाल ये है. Will you have such daring faith to obey God? क्या आपके पास ऐसा सशक्त विश्वास है या शक्तिशाली विश्वास है परमेश्वर के पीछे चलने का? You may not know where. आपको ये नहीं पता हो सकता है कहाँ. You may not know when. और आपको ये भी ना पता हो कब. You may not know how. आपको ये भी ना पता हो कैसे. And you may not even know why. और आपको ये भी ना पता हो क्यों. The questions arising out of God's command. और वो सवाल जो परमेश्वर की आज्ञा से उठते हैं. You may not have answers to any of these questions. हो सकता है उन सवालों के प्रति एक का भी उत्तर आपको ना मिले. Will you still have a daring faith like Abraham? क्या फिर भी आपके पास इब्राहिम के समान तो एक वो बलवंत और शक्तिशाली विश्वास होगा? The Bible says. वचन बताता है. Where do you find commandments of God? परमेश्वर की आज्ञाओं को आप कहाँ पाते हैं? In this book. आप इस पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की आज्ञाओं को पाते हैं. To please God. और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए. You think you are pleasing God by coming and or worshiping? Or doing anything like that? क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ रविवार को आने के द्वारा, उसकी आराधना करने के द्वारा या उसके प्रति कुछ सेवा करने के द्वारा आप उसे प्रसन्न करते हैं? All these things are necessary. ये सारी बातें आवश्यक हैं. They are important. और ये जरूरी भी हैं. But not as important as pleasing God. लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना परमेश्वर को प्रसन्न करना हो. Obey God. परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहना है. Are you prepared? क्या आप तैयार हैं? Will you have such a daring faith to obey God even when you do not have answers to questions that may arise out of God's command? क्या आपके पास ऐसा शक्तिशाली और बलवंत विश्वास है कि आप परमेश्वर की आज्ञा से जो सवाल उत्पन्न होते हैं ये ना जानते हुए भी उसकी आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं? God says this. परमेश्वर ये कहता है. He commands this. उसने ऐसा कहा है. I don't understand many मुझे things. नहीं समझ में आता कई सारी. I don't have the answers. If I step out by faith and just do what God is asking me to do, I don't understand what is going to be the consequence. अब मैं नहीं जानता हूँ कि क्या परिणाम होगा अगर मैं विश्वास से आगे बढ़कर उन सारी बातों को करूँ जो परमेश्वर कहता है. But nevertheless, लेकिन फिर भी, simply because my God is asking, I will do. क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझको ये कहने करने के लिए कहता है मैं इसे करूंगा. Do you have that daring faith? क्या आपके पास ऐसा बलवंत विश्वास है? And remember what it involves. और याद रखिए इसके लिए क्या आवश्यक है. If you are willing to obey, अगर आप तैयार हैं आज्ञा मानने के लिए. There are many things you have to give up and many things you will have to deny. और ऐसी कई सारी बातें हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी, जिनको आपको त्यागना पड़ेगा. Count the cost. अपने दाम को आप उसको जांच लें. Remember, we are not living for this world. याद रखिए हम इस संसार के लिए नहीं जीते. This world is ending. क्योंकि इस संसार का अंत तो निकट है. I wanted to show a video today, but I just couldn't find that video. और आज के दिन में एक वीडियो दिखाना चाहता था लेकिन मुझे वो वीडियो मिला नहीं. That video may frighten you. और वो ऐसा एक दृश्य है जो आपको भयानक और डरा सकता है. Do you know there is coming a day soon when you cannot buy or sell anything without having the mark of the beast either here or here? क्या आपको पता है एक ऐसा दिन भी आ रहा है जब आप खरीद और बेच नहीं पाएंगे बिना उस चिन्ह को लिए जो उस पशु का चिन्ह है, चाहे वो हाथ पर हो या सर पर हो. Suddenly it is revealed now how it is going to be possible.
और अचानक से आपको ये प्रकाशित किया जाएगा ये कैसे संभव होगा. टुडे यू वॉक इन टू अ मॉल और आज के दिन आप एक मॉल में जाइए एंड यू गो टू प्लेसेस इन द मॉल देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ शेल्फ एंड थिंग्स आर देयर यू गो एनीवेयर यू वांट टू फ्रीली एंड देन पिक अप नो प्रॉब्लम. और आज के दिन आप उस मॉल में जाइए जहां हजारों की संख्या में शेल्फ मौजूद हैं और किसी भी सामान को आप उठाइए. बट नो लॉन्गर When it begins. लेकिन तब ये संभव नहीं होगा जब उस अंत की शुरुआत होगी. They are already prepared and they are ready to begin that very soon. और वो पहले से तैयार हैं उस प्रक्रिया को बहुत जल्द शुरू कर देंगे. If you want to keep your faith. और अगर आपको अपना विश्वास बनाए रखना है. And go to be with the Lord. और परमेश्वर के संग होना है. You will have to deny. तब आपको इन बातों को त्यागना होगा. That thing is already here. क्योंकि ये बात पहले से ही यहाँ पर है. And in that case, और इस परिस्थिति में, rapture has to take place before that. इन बातों के होने से पहले कलीसिया का उठाया जाना अनिवार्य है. So how soon is that? और वो कितनी जल्दी हो जाएगा? It is at the door. और ये उठाया जाना तो बिल्कुल फाटक पर है. How prepared are we? और कितने तैयार आप और हम हैं? You know when it begins, they have. Fridge type of shelf. आपको पता है इसकी शुरुआत कैसे होगी? उनके पास बड़े बड़े शेल्फ हैं एक फ्रिज के समान. It will not open. और वो खुलेंगे ही नहीं. If you go and take something from that shelf, it will not open. और अगर आप उस शेल्फ से कुछ लेना चाहते हैं वो खुलेगा ही नहीं. The only way it will open is for you to show your hand or your forehead mark. और वो एक ही तरीका जिसके द्वारा वो खुलेगा वो तो है वो चिन्ह जो आपके माथे या हाथ पर होगा जो आपको दिखाना होगा. Then only it will open. और सिर्फ तभी ये खुलेगा. And you walk away with a bottle of water or anything you want to that thing. और तब आप उस पानी की बोतल या किसी दूसरी वस्तु को वहां से ले. Bible is becoming more and more alive, my brothers and sisters and my children. और मेरे बच्चों मेरे प्रियो ये वचन और जीवित होता चला जा रहा है. Get ready. इसलिए आप तैयार हो जाएं. Don't play the church. और इसलिए कलीसिया में खेलने के स्वभाव से ना आएं. Don't play religion. और धर्म को खेल समझ के ना खेलिए. Be serious about your faith. और इसलिए अपने विश्वास के प्रति आप गंभीर What बने. Jesus spoke, it's coming true. और जो यीशु ने कहा वो बहुत जल्द पूरा so हो जाएगा. This is the first question you need to answer. और ये वो पहला सवाल है जो आपको खुद से पूछना है. Ask. Yourself. खुद से पूछिए. Do I have such daring faith? क्या मेरे पास इस प्रकार का ऐसा बलवंत विश्वास है? Count the cost. कि दाम को आंकें. And pay the cost. और उस दाम को चुकाने के लिए तैयार हो. The second thing I want to ask you. और जो दूसरा सवाल है वो ये है. Consider the difference between a believer and a disciple. और एक विश्वासी और चेले के बीच का जो अंतर है उसे आप समझने की कोशिश करिए. Who is a disciple? एक चेला कौन है? Listen carefully. ध्यान पूर्वक सुनिए. Remember, Jesus never called anybody to be just a believer. अब यीशु ने कभी भी किसी को सिर्फ विश्वासी होने के लिए नहीं बुलाया. What was his command? Everyone whom he called. और उसकी आज्ञा क्या थी उन सब के लिए जिनको उसने बुलाया? All the disciples. सारे चेले. Apostles. प्रेरित. He called them. सबको बुलाया. And what was his instruction? और उसका निर्देश क्या था? No. What did he say? Yeah, disciple. That is correct. But what did he say? The word he used. और उसने क्या कहा? उसने किस शब्द का प्रयोग किया? Follow me. कि मेरे पीछे हो लो. Is to follow Christ. यीशु मसीह के पीछे चलो. He did not call me just to be a believer. उसने सिर्फ एक विश्वासी होने के लिए हमें नहीं बुलाया. The devil is a better believer than any of us. क्योंकि एक शैतान हम में से कहीं ज्यादा विश्वास रखने वाला है. He believes in God. वो विश्वास रखता है परमेश्वर पर. He even trembles. और वो तो इतना विश्वास रखता है कि परमेश्वर के नाम से कांपता है. When he thinks of God. जब वो परमेश्वर के विषय में सोचता है. So he didn't ask us to follow to just believe in. और इसलिए परमेश्वर ने हमें सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया कि हम विश्वास करें. Follow me. लेकिन उसने इसलिए बुलाया ताकि हम उसके पीछे चले. Follow me. उसके पीछे हो ले. That's what he said. और उसने ऐसा ही कहा.
Anyone who follows is a disciple. और एक कोई भी वो जन जो यीशु के पीछे चलता है वो उसका चेला है. What is the difference between a believer and a disciple? और इसलिए चेले और विश्वासी के बीच में क्या अंतर है? Here it is. और ये अंतर ये है. A disciple is someone whose commitment to God and to His cause is deeper in him than a believer. और एक विश्वासी एक ऐसा जन है जिसका परमेश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति एक विश्वासी से कहीं ज्यादा गहरी और सच्ची है. I'll say it again. मैं फिर से आपके लिए दोहरा दूं. A disciple is someone whose faith and commitment to God are deeper than it is in a believer. एक चेला ऐसा जन है जिसका विश्वास और समर्पण परमेश्वर के प्रति एक विश्वासी से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा है. What is a believer's prayer? और एक विश्वासी की प्रार्थना क्या होती है? What is a believer's prayer? एक विश्वासी की प्रार्थना क्या है? A believer's prayer is like this. एक विश्वासी की प्रार्थना इस प्रकार है. Lord, प्रभु, What can you do for me? कि तू मेरे लिए क्या कर सकता है? Bless me, Lord. मुझे आशीषित कर. That is a believer's prayer. और ये है एक विश्वासी की प्रार्थना. That's what you have been praying for the last many years. और ऐसी ही प्रार्थना आप सब करते आ रहे हैं कई सालों से. What can do for me? कि परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है? What can I? Get from you, Lord. कि मैं परमेश्वर से क्या पा सकता हूँ? So bless me, Lord. और इसलिए हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मुझे आशीषित कर. Whose prayer is this? ये किसकी प्रार्थना है? अविश्वासी. All of us are विश्वासी. हम सब विश्वासी हैं. And we have been praying this prayer for the last many years. और हम इस प्रकार से प्रार्थनाओं को पिछले कई सालों से करते हुए आ रहे हैं. And in fact, the church today is a bless me club. और आज के दिन तो कलीसिया ऐसा एक स्थान या समूह बन गया है जहां पर सब यही कहते हैं, मुझे आशीष दे. Bless me, Lord. मुझे आशीष दे प्रभु. Bless me, Lord. मुझे आशीष दे प्रभु. Bless my family. मेरे परिवार को आशीष दे. Bless my children. मेरे बच्चों को आशीष दे. Bless my house. मेरे घर को आशीष दे. Bless my everything. मेरी हर एक वस्तु पर तेरा आशीष हो. What will be the prayer of a disciple? और एक चेले की प्रार्थना कैसी होगी? His prayer is like this. उसकी प्रार्थना ऐसी होगी. And this is the prayer with which Apostle Paul began his Christian life. और यही वो प्रार्थना है जिसके द्वारा पौलुस प्रेरित ने अपने मसीही जीवन की शुरुआत करी. Lord, प्रभु, What do you want me to do for you? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? Use me, Lord. मेरा मुझे उपयोग में ला. Whose prayer is this? ये किसकी प्रार्थना है? A disciple's prayer. एक चेले की प्रार्थना. So the question is. और इसलिए सवाल ये है. What are you? आप क्या हैं? Are you just a believer or a disciple? क्या आप सिर्फ एक विश्वासी हैं या दूसरे हाथ पर एक चेले? Throughout this week you think. इस पूरे हफ्ते के दौरान आप इस विषय में सोचिए. But before you start thinking. लेकिन इससे पहले कि आप सोचना शुरू करें. Read Hebrews chapter 11. आप इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय को जरूर पढ़िए. Let us all stand. आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं. Seriously think about it. गंभीरता से इस विषय में सोचिए. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus Christ.